यहाँ पर काफी अच्छा प्रसाद है। तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आप हमेशा की तरह बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज शनिवार है तो हम जा रहे हैं प्राचीन शनि मंदिर शनि गांव, जो कि फिलौर में पड़ता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली जलंधर से 45 किलोमीटर है। तो दोस्तों, प्राचीन शनि मंदिर है तो आपको भी दर्शन करवाते हैं इस प्राचीन शनि मंदिर के, तो आप भी साथ चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम जलंधर से हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है, तो अब सीधा आपको शनि गांव मिलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं शनि मंदिर के। दोस्तों, शनि गांव हम पहुंच चुके हैं, तो आज शनिवार काफ़ी भीड़ है यहां पर, तो आपको भी मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो काफ़ी भीड़ है आज यहां पर, हमेशा शनिवार को होती है भीड़, क्योंकि शनिवार का दिन है, शनि देव का दिन है आज। काफ़ी भीड़ है यहां पर। तो ये कंटीन है शनि गांव की, पहले शूज उतार लेते हैं ना यहाँ पर। तो ये जोड़ा घर है, यहाँ पर शूज उतारते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शूज उतारने पड़ते हैं, जोड़ा घर है। तो दोस्तों, पहले हम प्रसाद लेंगे, सामने प्रसाद सामग्री कक्ष जो लिखा है वहां पर प्रसाद मिलता है। यहाँ से लगता है प्रसाद, पहले प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद भाई यहाँ से मिलता है ना, प्रसाद यहाँ से मिलता है। तेल दे दो, टोकन लेकर आना पड़ता पहले। दोस्तों, प्रसाद के लिए पहले टोकन लेकर आना पड़ता है। टोकन लेकर आ गए हैं हम, अब प्रसाद लेने जा रहे हैं। तो भाई दे दे प्रसाद हमें, दो दो अलग अलग। तेल और यहां से जाना है हमने। काफी साफ सफाई है यहाँ पर और काफी भीड़ भी है। सूचना भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखी है। शनि ये सारी जो भी शनि की कृपा पाना चाहता है वो यहाँ पर आता है। तो दोस्तों, ये है शनि का मंदिर।
पुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनै। दोस्तों ये है शनिदेव जी की मूर्ति, तो काफी प्राचीन है, लोग दूर दूर से यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। तो जो भी शनि का कष्ट है लोगों को, यहाँ पर माथा टेकने से दूर हो जाता है, शनि की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पर दिया जलाया जाता है, यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है। दोस्तों यहाँ पर शनि गांव के अंदर ही पशु स्थल बनाया है, जो काफी अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर बत्तखें रखी हुई हैं, बत्तखें यहाँ पर, कबूतर भी हैं, खरगोश भी हैं यहाँ पर पाले हुए। मुर्गियां भी हैं। इसको ऑस्ट्रिच कहते हैं, छतरमुर्ग। बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पर छतरमुर्ग भी हैं। तो यहाँ पर गौशाला भी है। अगर मेरा ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वाला ब्लॉग मेरा कैसा लगा।